बीजेपी में मुलाकातों और बैठकों का दौर जारी है और कयास यही कि ये क्या 2022 की तैयारी है। जी हां, सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुबह 10:45 पर मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान कोरोना रोकथाम और विकास योजनाओं पर दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। इसके बाद उनका बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने का कार्यक्रम है। अपने दौरे के दौरान सीएम योगी आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। तो कल गृह मंत्री से मुलाकात की थी, आज प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात 10:45 पर। उसके बाद जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात है, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात उनकी होगी। और ये बता दें आपको, दिल्ली दौरे पर कल ही पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में मुलाकातों का जो दौर है वो जारी है। कई अटकलें जो हैं वो भी लगनी शुरू हो चुकी हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 2022 की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और इसीलिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से वो सुबह 10:45 पर मुलाकात करेंगे, जबकि जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष है बीजेपी की, उनकी मुलाकात 12:30 होनी है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। तो इससे पहले कल करीब 3:00 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले मुख्यमंत्री यूपी सदन गए, इसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की। बातचीत के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। हालांकि सियासी गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने निकलने शुरू हो चुके हैं। इससे पहले कल बीजेपी ज्वाइन करने वाले जितिन प्रसाद बागपत से सांसद सतपाल सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से यूपी सदन में मुलाकात की। जानकारी की माने तो जनरल वीके सिंह और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल सीएम योगी से मिलने पहुंचे। तो कल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, प्रवीण निषाद ने भी अमित शाह से मुलाकात की। संजय निषाद और अमित शाह के बीच क्या बात हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, अभी साफ नहीं है। संजय निषाद अमित शाह से मिलने से पहले एके शर्मा से भी मिले थे। तो यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सरकार और संगठन में फेरबदल की अटकलों के बीच गुरुवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जहां गृह मंत्री से मुलाकात की, तो वहीं इस मुलाकात के बाद एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह के आवास पर उनसे मिलने पहुंची। सूत्रों के मुताबिक अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी चुनाव गठबंधन और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की। इस मुलाकात को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, और इसके साथ ही लखनऊ से पवन सिंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पवन का रुख कर लेते हैं दिल्ली से। पवन, अभी क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि मुलाकात होनी है अब से कुछ समय बाद, क्या जानकारी अभी फिलहाल आपके पास, ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जो अधिकारीगण हैं और आसपास जिलों के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उनका यहां पर लगातार आना बना हुआ है। हम उत्तर प्रदेश सदन के बाहर ही मौजूद हैं। सदन के बाहर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिकारीगण हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। कल से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे थे, तब से लेकर अब तक कई लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। अगर बात करें जतिन प्रसाद की, तो जतिन प्रसाद ने भी कल आकर शाम को यहाँ मुलाकात की थी। मीडिया से उन्होंने बाइट भी दी थी और ये भी बताया था कि वो जो है एक शिष्टाचार भेंट करने आए हैं। आज की महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे और उसके बाद संगठन के कुछ लोगों से भी मिल सकते हैं। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये जो बैठक है ये एक शिष्टाचार भेंट हो सकती है। बहुत सारी बातों, बहुत सारे मुद्दों पर इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो गहन चिंतन और मंथन होना था वो गहन चिंतन और मंथन कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुआ है। करीब 1.5 घंटे बैठक चली है। 1.5 घंटे बैठक चलने का बहुत मायने होता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि मुलाकात का वक्त बहुत शॉर्ट होता है, 15 से 20 मिनट मुलाकात का वक्त होता है, लोग अपनी बात कहकर निकल जाते हैं, लेकिन 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई, यानी बहुत सारे विषयों पर
बहुत सारे रोडमैप पर और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है और डेढ़ घंटे तक की बैठक में बहुत सारे अलग अलग बिंदु थे जिन पर बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं उस बातचीत को बहुत ही अहम माना जा रहा है। आज प्रधानमंत्री से बैठक होगी, 10:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलेंगे, 11 बजे वो मुख्य प्रधानमंत्री के पास पहुँचेंगे और वहाँ पर वो उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद 12:30 का समय तय है जेपी नड्डा के पास। वहां पर बैठक करने के बाद ये बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ जो संघ के लोग हैं उनसे मिल सकते हैं योगी आदित्यनाथ और उसके बाद वो लखनऊ वापस रवाना हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि मुलाकात का सिलसिला आज जारी रहने वाला है। हमारे साथ पवन सेंगर भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी 10:45 पर और तमाम कयासों के बीच एक कयास ये भी, AK शर्मा का नाम बार बार सामने निकल कर आ रहा है, तो जब ये मुलाकात होगी तो क्या ये मानकर चला जाए कि AK शर्मा को लेकर भी कुछ बातचीत हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई जिम्मेदारी उन्हें देने की बात सामने आ रही है मंत्रिमंडल में, तो ये तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं क्या इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है, मान सकते हैं? देखिए, AK शर्मा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएं और उसके बाद प्रधानमंत्री AK शर्मा को लेकर के बातचीत करें। निश्चित तौर पे 2022 का रोड मैप ये तैयार किया जा रहा है और खास तौर से जो सहयोगी दल अमित शाह से मिलने का काम किए वो पहले से समय उनका फिक्स था। योगी आदित्यनाथ का अगर बात करें तो एक दिन पहले जो लखनऊ में बैठक हुई थी उस समय ये तय हुआ था कि वो दिल्ली जाएंगे और अमित शाह और तमाम जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे मुलाकात करेंगे, यानी 2022 से पहले सारे समीकरण दुरुस्त कर लिए जाएं। योगी आदित्यनाथ जो निगम हैं, तमाम जो निगम खाली हैं जिसमें राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना है, उसके अलावा संगठन में तमाम तरह की बातें है कि प्रकोष्ठों को भरा जाएगा जल्द से जल्द, कई लाख जो लोगों को है उनको उनमें समावेश किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की सहमति बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो निगम के अध्यक्षों की बात करें या संगठन में लोगों की तरजीह देने की बात करें, तो योगी आदित्यनाथ का यह मुलाकात 2022 के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है कि एक मैसेज जाए उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच में कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और योगी आदित्यनाथ ही आने वाले समय के मुख्यमंत्री हैं। लिहाजा 1-to-1 चाहे अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या JP नड्डा की बात करें, अगर कोई सामूहिक फैसला होता, विस्तार की बात होती तो वो एक साथ बैठ करके ये तय कर लिया जाता कि आने वाले समय में क्या होना है। लेकिन जो पृष्ठभूमि पिछले दिनों लखनऊ में बैठकों के दौर में तैयार किया गया था वो अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास रिपोर्ट है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी रिपोर्ट के साथ वहाँ पर मौजूद है, चाहे कोविड संक्रमण की बात हो या आने वाले समय के रोड मैप को लेकर के, पंचायत चुनाव को लेकर के, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के बारे में बताया जा रहा है कि अमित शाह से मिलने के बाद जो पंचायत चुनाव उसमें 5 जनपदों में अपनी भागीदारी चाहती हैं, उसके अलावा जो निषाद पार्टी है वो चाहती है कि जो MLC मनोनीत होने हैं उनमें उनको तरजीह दी जाए, उनको उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि 1.5 साल से अधिक का वक्त हो गया वो आकर के समाजवादी पार्टी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने का काम किया था, BJP के सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम किया था। तमाम ऐसी बातें हैं जो आने वाले समय के समीकरण को बताती है कि अगर समीकरण दुरुस्त नहीं रहा तो जो छोटी पार्टियां हैं वो नाराज होकर के किसी कहीं और रुख कर सकती हैं। लिहाजा इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह दौरा महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ सभी बड़े शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं पे जो सहयोगी दल हैं वो भी वहां पे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, यानी अमित शाह और जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिलने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो तमाम ये सारी कवायद कोविड संक्रमण थर्ड वेव में किस तरह की तैयारी है और 2022 का क्या रोड मैप होगा उसको लेकर के है, क्योंकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल विस्तार जी। और पंचायत चुनाव से पहले ये कहीं से भी संभव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है किस तरीके का कोई कदम उत्तर प्रदेश में उठाया जाएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव काफी महत्वपूर्ण है 2022 से पहले, क्योंकि सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में मैसेज जाएगा कि कौन पार्टी किस पे भारी पड़ रही है और उस नजरिए से ये महत्वपूर्ण है। लिहाजा हर कदम फूक करके उठाना, बिल्कुल पवन, हर कदम फूक कर उठाना होगा 2022 को देखते हुए। पवन त्रिपाठी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, लगातार निगाहें बनी हुई हैं और आज की मुलाकात को लेकर तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन यह भी कहा जाए जिस तरीके से मुलाकातें हो रही हैं छोटे दलों को साधने की कोशिशें भी पूरी तरीके से अभी से शुरू हो चुकी हैं।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए कल, अगर कल की बात करें तो कल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से अनुप्रिया पटेल, अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की, निषाद राज ने मुलाकात की, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी के समर्थित दल हैं, मतलब पार्टी को जो समर्थन देते हैं दल, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी अपनी भागीदारी बहुत 100% की चाहते हैं। बहुत सारी ज़रूरतें, बहुत सारी लिस्ट है उनकी, विश लिस्ट है, बहुत सारे वादे और दावे उनसे जो किए गए थे उन पर अब कहीं ना कहीं सरकार से एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि हमारे लिए वो सारी सुविधाएं या हमारे लिए वो सारी चीज़ें की जाएं जिसकी हमने मांग की थी। और कहीं ना कहीं ये साफ संकेत भी है कि अब आने वाले समय में इलेक्शन होना है, कम समय बचा है, और अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिले, हमारे लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाए, इस तरीके की डिमांड्स और कहीं ना कहीं सरकार में अपनी 100% की भागीदारी को लेकर, बिल्कुल पवन, यानी कि इन तमाम चीजों को लेकर सरगर्मियां जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है, और ये बैठकें काफी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका पवन त्रिपाठी तमाम जानकारी देने के लिए। पवन सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के।